रायपुर और बिलासपुर में तेज हवा और गरज चमक के साथ सुबह सुबह आज जोरदार बारिश हुई है। हालांकि कल देर रात प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई और ओला भी गिरे थे। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और धूप निकल आई। सूरजपुर संभाग में भी तेज बारिश और ओला गिरने का अनुमान है। सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पिंडा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, सारगढ़, ब्लैगढ़ जिला में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। रविवार शाम को कई इलाकों में अचानक से मौसम ने करवट ली। गरज और चमक के साथ सरगुजा संभाग और बलौदा बाजार में ओले गिरे। करीब आधे घंटे हुई ओलावृष्टि और बारिश ने जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं से लगे इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर पश्चिम से आ रही ठंडी हवा और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा के कारण विंड कॉन्फ्रेंस जोन है। विपरीत दिशा से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश के विंड कन्वर्जेंस जोन बिलासपुर के आसपास बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। रविवार को बलौदा बाजार में शाम 5 बजे करीब एक घंटे तक आंधी तूफान और 22 साथ जमकर ओले गिरे। इस कारण धान खरीदी केंद्र में धान का नुकसान हुआ, वही किसानों के फसल भी चौपट हो गए। भाटापारा में ओला गिरने के कारण रायपुर में भी इसका असर देखने को मिली है। रायपुर में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। रायपुर में रविवार को रात में मौसम ठंडा रहा, यहाँ न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री रही। वहीं रायपुर के माना में तापमान 17.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन का तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड हुई थी, जो औसत तापमान से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग के जिलों में आज बारिश के साथ ओला गिरने की संभावना है। रविवार सरगुजा में 10.9 डिग्री तापमान रहा, वहीं बलरामपुर में 10.1 डिग्री और कोरिया में 13 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सरगुजा में अधिकतम तापमान 25 डिग्री रही। बिलासपुर में रात का पारा औसत से अधिक रहा, यहाँ रात का तापमान 16.6 डिग्री पर पहुंच गया था। अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में तापमान में अंतर आई है और कई जगह पर ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, तेज हवाएं भी चली है।